हमारा जो मिशन है दैट इज़ टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड लॉ एंड टू मेक ऑडिट एंड लॉ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट उसी विजन के अंदर एक नया स्टेप हमने ऐड किया है सबसे पहले हमने वॉइस क्लिप्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि वॉइस क्लिप की मदद से आप पूरा सिलेबस क्या कर सकते हो छः से आठ घंटे में रिवाइज कर सकते हो देन क्लासेस का इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि कम ड्यूरेशन की क्लासेस हो मैक्सिमम आउटपुट हो देन उसके बाद रिविजनरी वीडियोज लॉन्च करे थे प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग इन दो एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया था अब एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है दैट इज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर ऐसे के नेम्स नंबर्स राइट कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर्स कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर्स अगर ये सब कुछ एकदम फिंगर टिप्स में रट जाए रैदर सेक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब सेक्शन भी याद हो जाए तो कहीं ना कहीं अगेन ऑडिट लॉ में कुछ मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे वो एक बुस्टअप मिल जाएगा ठीक है सो so, उसी मिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं कोशिश करने वाला हूं अपनी तरफ से कि स्टैंडर्ड्स के जितने भी नाम नंबर हैं हमें याद हो जाए हम जिंदगी में कभी उसे भूल ना पाए तो वो कोशिश होगी एक मेरी तरफ से देखते हैं कितना कामयाब होते हैं आप लोग डिसाइड करेंगे तो इस वीडियो के बाद आप लोग बताना आप लोग कमेंट करना कि कितने कामयाब हुए हम इस मिशन के अंदर कितने याद हो गए स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर कुछ होमवर्क दूंगा आपको अगेन वो होमवर्क भी क्या करना पड़ेगा सर आपको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा एंड उम्मीद है मुझे जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में कि अगर आप ये सेशन लास्ट तक अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अच्छे से करेंगे तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर आपको फिंगर टिप्स में याद हो जाएगा ये जो वीडियो है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है हर किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है राइट बिकॉज स्टैंडर्ड्स जो है सी ए इंटर में भी है सी ए फाइनल में भी है सो लेट अस ट्राई टू लर्न एंड रिमेंबर द नेम्स एंड नंबर्स और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड का हम प्रॉपर ऐसे नंबर और ऐसे नेम के साथ एग्जाम के अंदर लिख के आए और कोशिश करेंगे कि एफर्टलेसली स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद हो जाए विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग मच ऑफ द एफर्ट्स तो कोशिश रहेगा हमारा अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में यार ज्यादा कंजूसी मत करना आपके जो लाइक्स हैं वो अगेन हमारा उत्साह भराते हैं कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें तो प्लीज़ लाइक द वीडियो नाउ इट एंड शेयर द वीडियो विथ मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकन अब देखना स्टैंडर्ड्स के नेम्स एंड नंबर्स याद करने के लिए मैंने यहाँ तीन टेक्निक यूज करा है यार सबसे पहले यार अपने फोन वगैरह सब साइड कर दो चलो प्लीज अपना फोन साइड कर दो यार आई डोंट नीड एनी डिस्ट्रैक्शन हंड्रेड परसेंट फोकस है ना छोटा सा सेशन है हंड्रेड परसेंट फोकस होना चाहिए सिर्फ सेशन की तरफ ठीक है ना मेरे साथ रिपीट करनी है चीज़ें फ़ोन वगैरह साइड कर देना है किसी से बात नहीं करना और हंड्रेड परसेंट फोकस के साथ देखना है मेरे साथ ठीक है तो देखना यार स्टैंडर्ड्स के नेम्स एंड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमने इसको याद करने के लिए ना यहाँ पे तीन टेक्निक्स कंबाइन करा है वी हैव कम्बाइंड थ्री टेक्निक्स एक हमने यूज करा है डिवाइड एंड रूल टेक्निक डिवाइड एंड रूल टेक्निक बहुत कमाल की चीज होती है बड़े से बड़े चैप्टर के अंदर अगर आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना दें और छोटे ग्रुप्स में काम करें तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है ठीक है तो डिवाइड एंड रूल टेक्निक बड़े काम का है फॉर एक्जाम्पल थर्टी फाइव स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर आपको याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं यार थर्टी फाइव स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर पर याद करने का सोचे क्यों रहे हो मेरे को याद ही नहीं करना थर्टी स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर एक बार के लिए मैं अगर छोटे छोटे ग्रुप्स बना दूं जो आपस में मिलते जुलते हैं और अगर उन छोटे ग्रुप्स में फोकस करूं और अगर मेरे को वहां सात आठ स्टैंडर्ड्स भी याद हो जाए बहुत आसानी से तो मेरा वो जो स्टैंडर्ड्स में थर्टी फाइव में से एट का नंबरिंग कम हो गया अब सत्ताईस बच गया ना खाली याद करने के लिए तो राइट ये जो डिवाइड एंड रूल का टेक्निक है ये बड़ा कम, कमाल का है कंपनी लॉ के अंदर भी हम लोग इसे यूज करते हैं ऑडिट में भी हम लोग यूज इसे यूज करते हैं दैट जहां भी कोई चीज बल्कि लगे तो वहां डिवाइड एंड रूल का टेक्निक लगा दो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का टेक्निक यूज करके पूरे इंडिया जैसे देश में राज किया था तो क्या हम ऑडिट एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट में राज नहीं कर सकते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे स्टोरी टेक्निक ठीक है देखो यार मेमोरी के ना दो टेक्निक्स होते हैं एक होता है निमोनिक्स फ्रेम करना एक होता है मेमोरी टेक्निक्स एक होता है स्टोरी बेस्ड टेक्निक्स विजुअलाइजेशन टेक्निक्स तो नॉर्मली हम लोग दोनों टेक्निक्स यूज करते हैं मेमोरी टेक्निक्स दैट इज द निमोनिक टेक्निक्स एंड साथ ही साथ स्टोरी बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लेकिन मेरा जो पर्सनल विश्वास है वो स्टोरीज में ज्यादा है बिकॉज निमोनिक में फिर भी आपको याद रखना पड़ता है एक कोड और स्टोरी में क्या होता है कि अगर आपने एक बार स्टोरी विजुअलाइज कर लिया तो उस स्टोरी के थ्रू ना बहुत लंबी लंबी चीजें याद हो जाती हैं एक बार में बहुत लंबी लंबी चीजें क्योंकि स्टोरी याद रखना अपने लिए ज्यादा आसान होता है एक मूवी का स्क्रिप्ट अपने लिए याद रखना ज्यादा आसान होता है अगर मैं आपसे मूवी का पूछूं कि यार तुमने ये मूवी देखा था बताओ क्या क्या हुआ तो आप एकदम से बता दोगे मूवी में सबसे पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद एक्टर ने यह किया उसके बाद एक्ट्रेस ने यह किया फिर इस तरीके से विलन की एंट्री होती है फिर इस तरीके से प्यार होता है फिर उस तरीके से वो थर्ड पर्सन आ जाता है फिर ब्रेकअप हो जाता है तो आप एकदम सिक्वेंस में बता दोगे है ना जबकि तीन घंटा आपको पढ़ाई में बोल दूं पढ़ने के लिए तो आप सिक्वेंस में नहीं बता पाओगे पहले ये पढ़ा था फिर ये पढ़ा था फिर ये पढ़ा था तो अगर एक मूवी से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो यार उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता तो हम लोग यूज करेंगे यहां पे स्टोरी टेक्निक विजुअलाइजेशन टेक्निक प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मेरा मतलब ये नहीं है कि सीए छोड़ के प्यार मोहब्बत करने लग जाना मैं तो ये कहता हूं यार कि अगर आप सी स्टूडेंट हैं तो अभी फिलहाल आपकी गर्लफ्रेंड क्या होनी चाहिए सिर्फ सी डिग्री होनी चाहिए बट प्यार मोहब्बत की स्टोरीज को यूज करके कोशिश करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद हो जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटेशन। मैं चाहे कोई भी दुनिया का स्टोरी ले आऊं कोई भी डिवाइड एंड रूल टेक्निक यूज कर लूं कोई भी निमोनिक बेस्ड टेक्निक यूज कर लूं जब तक रिपीटेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है तो तीसरा टेक्निक है रिपीटेशन टेक्निक जहां पे हम बार बार रिपीट करेंगे बार बार रिपीट करेंगे अगर आपने सीरीज के अंदर मेरा पहला वीडियो देखा था जहां पे मैंने आपको कंपनी ऑडिट के सेक्शन याद कराए थे तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से रिपीट किया था चीजों को किस तरीके से बच्चा बनकर चीजों को रिपीट किया था और किस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आपने एक बच्चा बनकर चीजें रिपीट करनी है तो उसी तरीके से क्या करना है सर आपने रिपीटेशन टेक्निक यूज करना है एंड यूजिंग दिस थ्री टेक्निक्स एम गोइंग टू ट्राई टू मेक यू लर्न दऐसे नेम्स एंड नंबर बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मै मैं ऐसे के नेम्स एंड नंबर आपको याद करा सकता हूं बट मैं सारी टेक्निक्स एक साथ यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर है तुमको जिस टेक्निक से याद हो जाए तुम उस टेक्निक से याद कर लेना वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा एक रिक्वेस्ट है यार ये वीडियो लास्ट तक देखना अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देख के जो होमवर्क मैंने दिया है उसको फॉलो करके आप एक जजमेंट फॉर्म करिएगा कि मेरे को स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद हुआ है कि नहीं डेफिनेटली याद होगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल टेक्निक की देखो यार स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं ऐसे टू हंड्रेड से कहानी स्टार्ट होती है ऐसे सेवन हंड्रेड की सीरीज में जाके खत्म होती है अब आईसीआई ने आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम कर दिया है वरना पहले तो ऐसे 800 सीरीज भी था देन एस भी थे एसआरईज भी था सब कुछ था लेकिन अब आईसीआई ने थोड़ा सा वर्कलोड कम कर दिया है और सिर्फ हमारे पास ऐसे 700 तक है तो ऐसे 200 से लेके कहानी स्टार्ट होती है और 700 सीरीज तक चलती है कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं आप ऐसे 200 सीरीज के अंदर अगर देखेंगे तो ऐसे 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 299 आप 300 के सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 300, 315, 320, 330, 400 के सीरीज में देख लीजिए तो 402, 450 500 के सीरीज में देख लीजिए तो 501, 505, 510, फाइव हंड्रेड देन फाइव हंड्रेड टेन से 580 सीक्वेंस में चलता है ऐसे 600 के सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 600, 610, 620 हंड्रेड टेन एंड के सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, 720 तो कितने सारे स्टैंडर्ड्स है? है ना कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में खिचड़ी बन जाता है कितने सारे स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर कैसे याद रखें तो मैंने क्या बोला आपको किसने बोला है इतने सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद रखने का हम क्या करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे सिर्फ अभी ग्रुप्स में फोकस करेंगे देखना बहुत इजी लगेगा आपको सिर्फ ग्रुप में फोकस करेंगे ये 35 स्टैंडर्ड्स के पीछे हमें नहीं भागना हमें सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स में भागना है ग्रुप्स के पीछे भागना है और देखना कितने आसानी से चीजें याद होती हैं जैसा अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पे डिवाइड एंड रूल तो यहां पे एक जो कैटेगरी मैंने बना दिया ये बना दिया कॉम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या बना दिया कम्युनिकेशन टू दोस्त विद गवर्नेंस दूसरा एक ग्रुप मैंने बना दिया यूजिंग सादर वर्क तीसरा ग्रुप बना दिया मैंने प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट चौथा ग्रुप बना दिया ऐसे 400 400 क्योंकि सिर्फ दो ही 400 की सीरीज में एक ग्रुप बना दिया मैंने ऑडिट रिपोर्ट एक ग्रुप और बना सकता हूं मैं चाहूं तो दैट इज ऑडिट एविडेंस का ग्रुप बना ही देता हूं ऑडिट एविडेंस का ग्रुप अभी याद नहीं हो रहा ना यार टेंशन मत लेना मैंने अलग अलग टेक्निक यूज की है डिवाइड एंड रूल टेक्निक से अगर 50 परसेंट चीजें भी याद हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अगला हमारा सबसे बढ़िया टेक्निक स्टोरी टेक्निक आने वाला है ठीक है तो डिवाइड एंड रूल टेक्निक तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टू दो विद गवर्नेंस तो सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स ऐसे 260 एंड 265 बोला हुआ है कॉम्युनिकेशन टू दोस्ज विद गवर्नेस एंड एस टू के अंदर बोला हुआ है याद करें तो क्लासेस के अंदर हमने एक फॉर्मुला बनाया था कि ऑडिटर को आई एर एस करना पड़ता है दोस्त ग क्या कम्युनिकट करना पड़ता है ऑडिटर को आई एफ आर एस कम्युनिकट करना पड़ता है दो स्टार विदर्नेंस को दट इज आई फॉर इंडिपेंडेंस कॉम्युनिकेट करना पड़ता है कि उसके इंडिपेंडेंस में कोई थ्रेट तो नहीं है एज द फाइंडिंगट करनी पड़ती है है ना और ऐसे 265 के अंदर कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में ऑडिटर को गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना पड़ता है तो देखो यार सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड्स हैं अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स में है सिर्फ ये दो स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद होने चाहिए और कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन टू दोस्त गवर्नेंस दो ही स्टैंडर्ड तो है, ऐसे टू सिक्सटी कम्युनिकेटिंग टू दो चार्जेड गवर्नेंस एंड ऐसे टू सिक्सिंग इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू गवर्नेंस मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग सब लोग साथ में रिपीट करेंगे चलो ठीक है

है ना तो कुल मिलाकर पांच ऐसे स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स हैं पांच ऐसे हैं जहां पे किसी और के काम का रेफरेंस आता है एक है ऐसे टू नाइन इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं राइट right? उसके बाद जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज 600 610 620 एकदम फ्लो में आता है 600 600 610 620 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स मैं दूसरे ऑडिटर्स का, का काम यूज कर रहा हूं है ना दैट इज प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच प्रिंसि के काम का यूज, काम यूज कर रहा है ऐसे सिक्स हंड्रेड टेन दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स जहां पर इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज किया जा रहा है और ऐसे सिक्स ट्वेंटी जहां पर एक्सपर्ट्स के काम को यूज किया जा रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ एन अदर एक्सपर्ट और ऐसे 402 अगर आपको याद होगा जहां पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम को यूज किया जा रहा है कि एक एंटिटी क्या करती है काफी सारे एंटिटीज अपना काम आउटसोर्स कर देती है दूसरे एंटिटीज को और जो काम आउटसोर्स करा होता है वो मटेरियल होता है तो वो जो आउटसोर्स एंटिटी है उसका हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसके जो सर्व वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो आउटसोर्स एंटिटी है उसको नाम दिया गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो उसको नाम दिया जाता है यूजर एंटिटी तो एज ए ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का काम यूज करना पड़ता है याद होगा आपको टाइप वन रिपोर्ट टाइप टू रिपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग वहां पे क्लियर है तो यूजिंग अदर वर्क के कैटेगरी में पांच स्टैंडर्ड्स आता है सर दिमाग में पहले ब्रीज कर लो दिमाग में फिक्स कर लो यूजिंग अदर वर्क के कैटेगरी में पांच स्टैंडर्ड आता है ऐसे टू आता है टू की सीरीज में से 300 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता 400 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता 500 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता 600 की पूरी सीरीज उसकी उसी के ऊपर बेस्ड है 600 की पूरी सीरीज उसके ऊपर बेस्ड है यूजिंग वर्क 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स 610 इंटरनल ऑडिटर्स auditor, 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट और 402 यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है स्टैंडर्ड का ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी बहुत आसान है ऐसे 299 देखो 9 और 9 एक साथ जॉइंट है Two का मतलब एक साथ और नाइन और नाइन ज्वाइंट है तो ऐसा टू नाइन नाइन क्या हो गया जॉइंट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड टेन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एक फैमिली है एक साथ है सिक्स हंड्रेड अदर ऑडिटर्स सिक्स हंड्रेड टेन इंटरनल ऑडिटर्स सिक्स ट्वेंटी एक्सपर्ट खाली इतना रिपीट करोगे 600 अदर ऑडिटर्स, 610 इंटरनल ऑडिटर्स 620 एक्सपर्ट 600 अदर ऑडिटर्स 610 इंटरनल ऑडिटर्स 620 एक्सपर्ट अब आंखें बंद करके क्या करना है रिपीट करना चालू कर देना है सर 600 अदर ऑडिटर्स 610 इंटरनल ऑडिटर्स 620 एक्सपर्ट 600 अदर ऑडिटर्स 610 इंटरनल ऑडिटर्स 620 एक्सपर्ट 600 other auditors, 610 auditors, 620 एक्सपर्ट, 600 अदर ऑडिटर्स एन इंटरनल एक बार याद कर लेता हूँ क्या? Uh, क्या था कॉम्युनिकटिंग टू दोन टू सिक्स इन इंटरल कंट्रोल टू दो इंटरनल ऑडिटर्स और दोस्त और कौन से थे? हाँ हाँ टू नाइन नाइन टू वर्ड नाइन नाइन जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ में क्या था फोर जीरो सर्विस एंटिटी क्या था सर्विस एंटिटी ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है ना उसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो क्या है मीनिंग एंड रिस्क असेसमेंट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट जहां पे आप प्लान करते हो और फिर आप रिस्क को करते 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 हो को हो हो प्लान रिस्क को कभी भी ऑडिट में क्या होता है सबसे पहले प्लानिंग जरूरी होता है तो पहले हम प्लान करेंगे प्लान के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है ऐसे 300 है, खाली इतना याद रखो ऑडिट प्लानिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है 300 है सबसे पहले हम प्लान करेंगे प्लान करने के बाद क्या, क्या करेंगे प्लान करने के बाद क्या करेंगे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को समझेंगे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को समझेंगे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को समझेंगे और रिस्क को समझने के बाद रिस्पांसिस डिजाइन करेंगे कि अपने कौन

पूरा नाम एक साथ याद करने के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग से याद नहीं होगा पहले लॉजिकली समझो फ्लो बनाओ 300 में प्लानिंग करूंगा 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा 330 में रिस्पॉन्स डिजाइन करूंगा क्या बोलोगे 300 में प्लानिंग करूंगा 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा 330 में रिस्पॉस डिजाइन करूंगा क्या बोलोगे तीन में प्लानिंग करूंगा तीन में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तीन में रिस्क यू नो रिस्पॉन्स एसेस करूंगा तो पहले लॉजिकल सिक्वेंस बना लो मन में कि 300 में प्लानिंग करनी है सर 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करना है 330 में रिस्क को जो है वो मेरे को एसेस करना है और फिर मेंटलिटी का ध्यान रखना है 320 के हिसाब से और मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करना है 450 के हिसाब से तो इस तरीके से पहले कॉन्सेप्टल स्लो मन में बना लो और कोशिश करो कि वो जो कॉन्सेप्टल स्लो मन में बना है उसको आप बार बार रिपीट करते रहो बार बार रिपीट करते रहो मैं कहूंगा घर में बैठे आँख बंद करें जिस तरीके से इक्यावन बार हनुमान चालीसा पढ़ने से पाप धुल जाते हैं उसी तरीके से स्लो को भी इक्यावन बार पढ़ने से सारे पाप धुल जाएंगे और नंबर नाम एंड नंबर याद हो जाएगा तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं तो प्लानिंग करने वाला हूं प्लानिंग करने के बाद मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूं मैं रिस्पॉन्स डिजाइन करने वाला हूं मेटलिटी का ध्यान रखूंगा मिस स्टेटमेंट तो अब बार बार स्लो को ध्यान रखोगे तीन में प्लानिंग करूंगा तीन में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तीन में रिस्पॉन्स मैसेज करूंगा तीन में मेटलिटी चार में मिस स्टेटमेंट पहले स्लो को रिपीट कर लो दस बार उसके बाद अब नाम में फोकस करो फुल नेम में फोकस करो उससे पहले मत फोकस करो दैट इसे थ्री हंड्रेड ऑडिट प्लानिंग ऐसे थ्री हंड्रेड आइडेंटिफाइंग and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment as a 330 is auditor's responses to assessed risk and as a 320 is mentality in planning and performing the audit and 450 is evaluation of misstatements identified during the course of audit. Thaik, eh? चार सौ के स्टैंडर्ड की सीरीज में तो दो ही स्टैंडर्ड है जिसमें चार सौ दो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था और चार सौ पचास मिस स्टेटमेंट के बारे में था ऑलरेडी हमने पहले के ग्रुप्स में बना लिया है डिस्कस कर लिया है बट टू इंक्रीज द मैंने दोबारा से दंड्रेड की सीरीज ले ली है कि फोर हंड्रेड टू सर्विस एंटिटी के बारे में था दट इज यूजर एंडिटी के आप ऑडिटर हैं एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम यूज कर रहे हैं चार सौ पचास के आता सर रिवालूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंटेंटिडिट उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड का सीरीज आता है that is audit का series. कि अपने को क्या करना है रिपोर्ट इशू करना है एज अ ऑडिटर अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट इशू करना ऑडिट का जो डेफिनेशन था वो क्या था ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इन साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर विद ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ओपिनियन का मतलब या तो अन ओपिनियन हो सकता है या तो मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है राइट right? तो अब अगर आपको ये फ्लो दिमाग में बैठा लेना है कि देखो यार ओपिनियन का मतलब या अगर मैं ओपिनियन देना चाहता हूं तो मेरे ऊपर लगेगा अगर ऐसा सेवन लगेगा अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर सेवन जीरोगाकर याद करो सर मैं प्रैक्टिकली ऑडिट करने हूं मैं करना चाहता हूं मेरे ऊपर ऐसा सात लगने वाला है और मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा सेवन लगने वाला है तो मैं अन मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 700 लगेगा मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 705 लगेगा मैं किसी चीज को इंफसाइज़ करना चाहता हूं किसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं तो 706 लगेगा और अगर मैं की ऑडिट मैटर पैरा इंक्लूड करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर 701 लगेगा तो अपने ऊपर लो अपने ऊपर विजुलाइज करो कि अगर मेरे को ओपिनियन देना है अगर मेरे को अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है और रिपोर्ट इशू करना है तो मेरे ऊपर क्या लगेगा ऐसा 700 लगेगा अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो 705 लगेगा इंफोसाइज करना है तो 706 लगेगा की ऑडिट मैटर 701 लगेगा जैसे मैंने बताया पहले आप फुल नेम पर बिल्कुल भी फोकस मत करो पहले आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि अपने आपको सिचुएशन में लिया और की से कोशिश करा कि जो स्टैंडर्ड का नाम है और जो उसका की है वो याद हो जाए कि अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा तो 700 लगेगा मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा तो 705 पांच लगेगा इनफिसाइज करना चाहता हूं तो 706 लगेगा ऑडिट पैरा इंक्लूड करना चाहता हूं तो 701 लगेगा ठीक है तो सबसे पहले वो चीज होनी चाहिए अब देखो आ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये डिवाइड एंड रूल टेक्निक का ये है कि अगर नॉर्मल तरीके से कोई चीज याद हो जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है अगर किसी को नॉर्मल टेक्निक से याद हो गया है या आपको लगता है कि नॉर्मल टेक्निक से मुझे याद हो जाएगा तो फिर आपको ज्यादा निमोनिक ज्यादा शॉर्टकट ज्यादा स्टोरीज में जाना नहीं पड़ता और जो नॉर्मल टेक्निक से याद याद हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है और नॉर्मल टेक्निक से याद नहीं होता तो फिर अपने को स्टोरीज तो यूज करना ही है है ना इसमें एक सीरीज का नाम मैंने और ले लिया था दैट इज ऑडिट एविडेंस अब याद रखना ऑडिट एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट एविडेंस का सीरीज ऐसे 500 हंड्रेड आप क्या याद रखोगे ऐसे 500 हंड्रेड ऑडिट एविडेंस का सीरीज है आप क्या याद रखोगे सर ऑडिट एविडेंस 500 का सीरीज है और मेनली यहां पे आपको याद रखना है कि ऐसे 500 से लेके 520 याद करो ऑडिट एविडेंस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एसए 500 में पढ़ते थे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस उसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन था उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स था याद आया ना उसमें दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स था एक्सटर्नल कंफर्मेशन था तो एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करता है एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करता है एसए 500 ऑडिट एविडेंस की बात करता है ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में है तो ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में है और 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में है 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में है देखो याद नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए सिर्फ की दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो डिवाइड एंड रूल फिर से कम्युनिकेशन टू तो दो चार्जेड गवर्नेस इस सीरीज में कितने स्टैंडर्ड थे सर दो ही स्टैंडर्ड थे 262 सिक्स कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज एक तो था कम्युनिकेटिंग टू तो दो चार्जेड गवर्नेस और दूसरा था कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू तो चार्ज चार्जेड गवर्नेंस Using other work, तो पांच स्टैंडर्ड है और ऐसे टू नाइन नाइन फोर जीरो फैमिली को बिलोंग करते हैं तो जो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं इंटरनल तो ऐसे सिक्स हंड्रेड वजिंग द वर्क ऑफ एन अदर ऑडिटर्स टेन वजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एसा सिक्स ट्वेंटी वजिंग द वर्क ऑफ ऑडि एक्सपर्ट एंड ऐसे टू नाइन नाइन वजॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेशियल स्टेटमेंट्स ऐसे फोर जीरो दर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइज

ऑर्गेनाइजेशन 450 सौ पचास मिस स्टेटमेंट फिर ऑडिट रिपोर्ट का जो series था तो अपने को ओपिनियन अनमोडिफाइड मॉडिफाइड देना है तो लगेगा, modified देना है तो 705 लगेगा अगर ओपिनियन फॉर्म करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 700 ही लगता है तो ऐसा 700 का नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन फॉर्मिंग एन ओपिनियन राइट ऐसा सेवन का क्या नाम है एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मेरे को ओपिनियन फॉर्म करना है रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्टैंडर्ड का जो नाम है वो बड़ा है आप ब्रेकअप कर लो पहले ओपिनियन फ्रेम करना है और फिर रिपोर्ट करना है सेवन जीरो है मॉडिफाइड दट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंटेंस रिपोर्ट हर जगह आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट वर्ड दिखाई देता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट सात सौ छह क्या है इंफोसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंडर मेटा पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट

अब देखना यार बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है यार मजा आएगा आपको ठीक है अपने ऊपर आप ले सकते हो अपने ऊपर स्टोरी विजुलाइज कर सकते हो मान लीजिए राम एक लड़का है एंड अगेन ही लव्स ए गर्ल है ना ऑब्वियसली चीज है यार लड़का लड़की से ही प्यार करेगा तो राम एक बंदी से बहुत प्यार करता है एंड वो प्यार कैसे हुआ इकरार कैसे हुआ उसका भी स्टोरी है वो अभी आएगा कुछ देर में बट ये याद रखो यार राम एक लड़की से बहुत प्यार करता है ही लव से गर्ड लड़कियां याद रख सकती हैं कि हाँ यार ठीक है मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ एंड लड़के याद रख सकते हैं कि ठीक है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ ओनली फॉर फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग दिस स्टोरी हाँ अपने घर वालों को मत दिखाना जाके देखो सर बिगाड़ रहे हैं सिर्फ स्टोरी इसे याद करा रहा हूँ आपको तो ठीक है तो अब यहां पे क्या होता है कि राम एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है राम का एक दोस्त है श्याम राम का एक दोस्त है श्याम होता है ना यार कि हर किसी का एक दोस्त होता है पर्सनल बातें शेयर हो रही होती हैं अब देखना प्रॉब्लम क्या हुआ यार कि राम ने जब गर्लफ्रेंड बनाया था राम ने जब गर्लफ्रेंड बनाया था तो राम की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी वेन राम मेड गर्लफ्रेंड ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन इन माइंड क्या था राम का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था उसके मन में हर किसी का होता है ठीक है यार मैं दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग किया करूंगा वो मेरे प्रोजेक्ट्स बना के दे दिया करेगी और हम लोग घूमने जाया करेंगे कॉफी शॉप जाया करेंगे मूवीज जाया करेंगे रात भर फोन में बात किया करेंगे क्यों एक्सपेक्टेशन क्यों था क्योंकि राम ने देखा था कि यार उसका जो दोस्त है श्याम उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो हमेशा राम को टाइम देती है उसके लिए प्रोजेक्ट्स बना दिया करती है मूवीज साथ में जाया करते हैं एंड एवरीथिंग तो राम की भी एक्सपेक्टेशन थी अपने दोस्तों को देकर बट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियालिटी में क्या होता है फर्क होता है तो यहां पर हुआ क्या ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर हुआ क्या पता चला कि जो राम की गर्लफ्रेंड है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है उसके साथ मूवीज देखने नहीं जाती है उसके साथ कैफे कॉफी शॉप में पी, कॉफी पीने नहीं जाती है उसका कोई काम नहीं करती है ठीक है आ, या फिर लेट अस से यहां पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं प्रीवियस ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो राम की गर्लफ्रेंड है वो राम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी राम को बहुत ज्यादा टाइम दिया करती थी उसके साथ कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने जाती थी मूवीज देखने जाया, जाया करती थी रात भर फोन में बात किया करती थी लेकिन करंट ईयर में कहानी चेंज हो गया करंट ईयर में क्या हो गया कहानी चेंज हो गया इस साल राम की गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है राम से बातें नहीं करती है रात को वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है ठीक है तो यहां पे कहानी चेंज हो गई है अब हुआ क्या बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो राम का एक्सपेक्टेशन जो था उसके ऑपोजिट चीजें हो रही हैं प्रीवियस ईयर में जो राम के साथ हो रहा था अब करंट ईयर में चीजें अलग हो रही हैं है ना जो दोस्तों के साथ हो रहा है वैसा राम के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है जो दोस्तों के साथ हो रहा है वैसा राम के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है तो यहां पर राम को क्या होगा यहाँ पे राम को होगा शक यहां पर रा राम को हो क्या होगा यहां पर राम को होगा शक यार स्पेलिंग गलत हो गया यार तो इसको इग्नोर कर देना यार हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा तो राम को क्या हो रहा है यहाँ पे शक हो रहा है डाउट हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है मेरे को धोखा दे रही है मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है मेरे को धोखा दे रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर राम को शक हो रहा है फिर राम क्या कर रहा है पता है आपको राम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सच्चाई का पता लगाने का कोशिश कर रहा है राम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है सच्चाई का पता लगाने का पता कर रहा है अब राम की गर्लफ्रेंड कहती है यार रात को मुझे नींद आ रहा है मुझे सोना है जबकि पिछले साल राम की गर्लफ्रेंड पूरे स, रात उससे फोन में बात किया करती थी चैट किया करती थी अब राम पता क्या करेगा रात को तीन बजे फोन करता है उसे अगर फोन बिजी आ रहा है अगर फोन उठा लिया उसने तो कोई बात नहीं आ रहा आई वॉज रियली मिसिंग यू सॉरी मैंने तुम्हें फोन कर लिया तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर ली और अगर उसका फोन बिजी आ गया तो राम का जो शक है वो तो भैया अगले लेवल पे चला जाए

ऑडिट के अंदर क्या कहते हैं सर इस चीज को एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं जहां पे ऑडिटर क्या करता है सर कंपैरिजन करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स के साथ जो कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की थी जो बजेट बनाया था उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर्स के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर वहां पर ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है अगर वहां पर ज्यादा डिवियेशन होता है तो वहां पर ऑडिटर को क्या करना पड़ता है सर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन uh, करना पड़ता है

राम को शक हुआ अपनी गर्लफ्रेंड पे कि हां भाई ये मुझे क्या कर रही है धोखा दे रही है तो अब राम ने क्या किया अब राम ने अपने दोस्तों को बोला अब राम ने अपने दोस्तों को बोला श्याम को बोला बेटा श्याम एक काम कर तू चेक करके बता तू पता करके बता कि वो मुझे धोखा दे रही है कि नहीं तो फिर सैंपल बेसिस में फिर सैंपल बेसिस में राम ने क्या किया उसके बारे में पता लगाना शुरू किया सैंपल बेसिस में अब दिन भर वो कहां जा रही है क्या कर रही है उसका तो पता लगाया नहीं जा सकता लेकिन सैंपल बेसिस में चेक करना शुरू किया कहां जा रही है किससे बात कर रही है तो सैंपल बेसिस में राम ने चेक करना शुरू किया ठीक है मतलब राम के भी हाथ में उसके दोस्त ने श्याम ने अब उसके बाद जब सैंपल बेसिस में श्याम ने चेक करना शुरू किया तो पता चल गया कि हाँ भैया वो तो फ्रॉड कर रही थी तो अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना श्याम ने राम को क्या बोला तो सबसे पहले क्या हुआ था एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ था उसके बाद सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया था अब उसके बाद देखना जब पता चला कि बंदी सचमुच धोखा दे रही है तो देखना वहां पे श्याम ने क्या बोला बोला बेटा राम तू एस्टीमेट बना ले बेटा राम तू क्या कर ले एस्टीमेट बना ले क्या एस्टीमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी गर्लफ्रेंड कौन होगी रिलेटेड पार्टी हो गई कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे छोड़ के जाने वाली है तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे कब छोड़ के जाएगी आज नहीं सब्सिक्वेंटली बाद में जाएगी जाएगी जरूर सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है ठीक है तो पहले जब राम ने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया क्योंकि ऑडिटर था उसको शक हुआ तो उसने सैंपल बेसिस में चेक करना शुरू किया तो फिर श्याम ने क्या बोला बेटा राम तू एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सबसेक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है मतलब वो बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा ना यार जी की नहीं जी बस एक ही प्यार था धोखा मिल गया मुझे तो सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है ठीक है तो क्या हुआ सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर किया इन्वेस्टिगेट किया पता चला फ्रॉड हो रहा है तो उसके बाद मतलब क्या उसने सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया जब उसको शक हुआ जब शक हुआ तो सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया तो श्याम ने क्या बोला बेटा राम तो एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है तो ऐसे फाइव किसके बारे में है सर एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में है ऑडिट सैंपलिंग ऐसे फाइव है एस्टिमेट के ऊपर ऐसे फाइव है रिलेटेड पार्टी ऐसे फाइव है सबसेक्वेंट इवेंट ऐसे फाइव है और गोइंग कंसर्न ऐसे 570 है जिसमें बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के नाम तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं प्यारे प्यारे से हैं याद रखना बहुत इजी है 520 ट्वेंटी प्रोसीजर्स फाइव थर्टी ऑडिट सैप्लिंग फाइव फिफ्टी रिलेटेड फाइव फोर्टी एस्टिमेट के रिगार्डिंग है बस उसी का नाम याद करने में आपको पापर बेलना पड़ता है फाइव फिफ्टी रिलेटेड पार्टीज है फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न है तो ये फ्लो दिमाग में उठा लो एक बार नहीं ग्यारह बार रिपीट कर लो अच्छा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करा शक हुआ तो सैम्पल बेसिस में चेक किया तो दोस्त ने बोला बेटा तू अभी से सेट्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आ आने वाला है तो अभी से फ्लो बना लो ठीक है तो वो फ्लो दिमाग में बना लेना है ग्यारह बार रिपीट कर लेना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया सैंपल बेसिस में चेक किया दोस्त ने बोला कि बेटा तू अभी से एस्टिमेट बना ले कि तेरे रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है तो एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे फाइव ट्वेंटी ऐसे फाइव थर्टी ऐसे फाइव रिलेटेड पार्टीज ऐसे फाइव फिफ्टी सब्सिक्वेंट इवेंट एंड गोइंग कंसर्न इज फाइव ठीक है बस 540 के नाम पे मेहनत करनी है दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या कर रहे हैं आप ऑडिट कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स तो बस उस नाम पे मेहनत करनी है अब उसके बाद राम ने क्या किया कि अब राम को रिस्क रिस्कलाइज हुआ कि हाँ भाई मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में है वो मुझे धोखा दे सकती है तो राम ने उसको बोला कि तू मुझे रिटर्न में दे दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे लिख के दे दे कि तू मुझे धोखा नहीं देने वाली है तू मुझे लिख के दे दे कि तू मुझे धोखा नहीं देने वाली है तो यहां पे क्या हो गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे क्या हो गया सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया दैट इज ए फाइव अब उसके बाद राम परेशान है अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ले लिया उसने लिख के भी दे दिया कि ठीक है लिख के दे रही हूं भाई मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी लेकिन अभी मन को तसली नहीं हो रही बिकॉज शक का वो जो बीज है वो पैदा हो चुका है तो अब राम क्या कर रहा है अब राम बाकियों की हेल्प ले रहा है अपने बाकी दोस्तों की हेल्प ले रहा है आदर ऑडिटर्स की हेल्प ले रहा है ऐसे 600, सिक्स हंड्रेड इंटरनल ऑडिटर्स की हेल्प ले रहा है ऐसे 610. सिक्स वन जीरो ऑडिटर्स एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है एस एस इनकी हेल्प लेकर इनकी हेल्प लेकर राम को क्या करना है ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज इनकी हेल्प लेकर राम को क्या करना है सर ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज इनकी हेल्प लेकर राम को ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज अब राम ने सोचा था राम की एक्सपेक्टेशन क्या थी राम की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा इन एस ए सेवन हंड्रेड राम की ओपिनियन ये थी कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा इन एस एसवन हंड्रेड लेकिन एक्चुअल एक्चुअल में जो होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस राइट एक्चुअल में जो होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हमारे क्लासेस के अंदर जो एक्चुअली आपने सोचा है वैसा ही आपको रिजल्ट मिले तो हमेशा ऐसा नहीं होता है यार कभी कभी होता है ठीक है तो लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ एक्चुअल में ये हुआ कि राम को मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ रहा है इन एस एस सेवन जीरो फाइव लेकिन वो दिल है कि मानता नहीं मॉडिफाइड ओपिनियन देने को हिम्मत नहीं हो रहा था अरे यार मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते तो उसने क्या कराल कर दिया इंफोसिस ऑफ पैरा एंड मैटर पैरा में डाल के छोड़ दिया उस चीज को एस एस सेवन जीरो सिक्स के अकॉर्डिंग और सोचा कि एक काम करता हूं की ऑडिट मैटर में डालने का सोच लेता हूं एस पर सेवन जीरो मॉडिफाई नहीं करूंगा ठीक है तो फ्लो में आप क्या कर सकते हो ये पूरी चीज को याद कर सकते हो दैट इज पहले एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म किया फिर सैंपल बेसिस में चेक किया फिर दोस्त ने बोला कि तो किस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है तो उसने डब्लू ले लिया अदर ऑडिटर्स का, काम यूज करा इंटरनल ऑडिटर्स ऑडिटर्स एक्सपर्ट ओपिनियन सोचा था अनमोडिफाइड एस पर सेवन बट एक्चुअल में मॉडिफाइड एस पर सेवन क्या करा इन्फोस ऑफ मेटा पैरा एंड मेटा मेटापैरा में डाल के काम चला लिया अब जो भी हमने अभी तक याद किया है यूजिंग द डिवाइड एंड रूल टेक्निक यूजिंग द स्टोरी टेक्निक एक बार फटाफट देख लेते हैं फटाफट फटाफट, फटाफट, फटाफट। फटा 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 फिर लास्ट स्टोरी अपना एक ही बार में हमेशा के लिए याद करना है सर इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यहां पे ऐसे 520 ट्वेंटी एनालिटिकल प्रोसीजर्स फाइव थर्टी ऑडिट सैम्पलिंग फाइव फोर्टी ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेडक्लोजर्स फाइव फिफ्टीज रिलेटेड पार्टीज फाइव सिक्सटी सब्सिक्वेंट इवेंट्स फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न फिव एटी रिटर्न प्रेजेंटेशन सिक्स हंड्रेड्रेड्रेड्रेड य वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स हंड्रेड टेन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ट्वेंटी द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट

ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज भी अलग से याद करी थी एविडेंस का याद करा था फाइव जीरो ऑडिटेंस फाइव जीरो फॉरम फाइव जीरो एक्सटर्नलेशन फाइव ट्वेंटी एनालिटिकल प्रोसीजर फिर वो पूरा का पूरा स्टोरी चलता है अब टाइम फॉर ए फाइनल स्टोरी टाइम फॉर ए फाइनल ऐसे टू हंड्रेड से 700 हंड्रेड ऑडिटर का प्यार अब ये जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा आप अपने हाँ से नोट डाउन कर सकते हो मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करने वाला अब देखो सुनो स्टार्टिंग में वो वो तो बात की बात है ना कि राम ने गर्लफ्रेंड बना ली ऐसा सो, सो, शक हुआ तो वो तो बात की बात है स्टार्टिंग में जब राम ने प्यार करने का सोचा था सोचा था कि मैं शादी कर लेता हूं इस बंदी से प्यार करता हूं इसको गर्लफ्रेंड बना लेता हूं प्रपोज कर देता हूं राम वॉस थिंकिंग टू प्रपोज ए गर्ल राम वस थिंकिंग टू प्रपोज दैट गर्ल तो उसने श्याम से पूछा श्याम से एडवाइस लिया बताओ भाई उस लड़की को प्रपोज करूं कि नहीं अब ध्यान से सुनना श्याम ने क्या बोला श्याम ने बोला राम तू पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तो क्या कर ले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तू इस कुएं में कूदना चाहता है या नहीं कूदना चाहता है तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तू इस कुएं में कूदना चाहता है या नहीं कूदना चाहता है बिकॉज याद रखना गर्लफ्रेंड बनाना मतलब लाइफ टाइम थे ऑडिट होने वाला है शादी करना मतलब लाइफ टाइम थे ऑडिट करने वाला है वो तेरे पीछे पर ही रहेगी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऑडिट करती रहेगी जिंदगी भर तेरा तो तू पहले से डिसाइड कर ले अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ठीक है उसके बाद तू क्या कर तुझे प्रपोज करना है है ना तो तू एंगेजमेंट लेटर तैयार कर ले तू टर्म्स तैयार कर ले बेटा शादी के बाद क्या होने वाला है तेरे साथ तू टर्म्स तैयार कर ले अपनी राइट तो यू प्रिपेयर टर्म्स यू प्रपोज हर यू एंटर इनटू एन एंगेजमेंट लेटर विथ हर तू अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले पहले तुझे चाहिए क्या तू मौत की कुएं में कूदना चाहता है या नहीं उसके बाद तू एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले उसके बाद बेटा एक चीज का और ध्यान रखियो अभी ना तो कहीं भी सड़क छाप कहीं भी रास्ते में जाता है और चाय उठा के पी लेता है कॉफी कहीं से भी पी लेता है कुछ भी खरीद लेता है लेकिन एक बार बेटा वो तेरी लाइफ में आ गई ना तुझे हर चीज में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा तुझे हर चीज में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा चाय से लेके कपड़े से लेके हर चीज में तुझे क्या करना पड़ेगा क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद एक चीज याद रखियो बेटा तो जो उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करनी होगी उसको क्या क्या चाहिए क्योंकि अगर उसने तुझे दस चीज़ें बता दी और तू एक भी चीज़ भूल गया ना बेटा तो तेरी जिंदगी मुश्किल होने वाली है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना होगा तो सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर ले तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद तू तो उसके साथ एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले तो ये सोच लियो कि तुझे क्वालिटी का ध्यान रखना है और तू उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करेगा और इतना सब कुछ करने के बाद भी याद रखियो याद रखियो बच के रहियो तेरे साथ फ्रॉड हो सकता है तेरे साथ धोखा हो सकता है फ्रॉड और बेटा अगर तू शादी करने का सोच रहा है तो सारे लॉज रेगुलेशन फॉलो कर लियो प्रॉपर कोर्ट मैरिज करियो प्रॉपर सर्टिफिकेट ले लियो बिकॉज यू नो आज के टाइम में कुछ भी फ्रॉड हो सकता है तो फॉलो द प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन तो पहले अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रख ले उसके बाद तू उसके साथ एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले यह ध्यान रखना कि तुझे क्वालिटी कंट्रोल का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करके रखनी होगी तेरे साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है तुझे लॉज एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा और अगर कोई दिक्कत आती है अगर कोई दिक्कत आती है राइट right. अगर वो तेरे इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है तेरे इंडिपेंडेंस में थ्रेट अराइज़ करती है तो दादाजी को कम्युनिकेट कर देना दादाजी यानी दोस्त आज गवर्नेंस दादाजी को कम्युनिकेट कर देना कहीं भी कंट्रोल में डेफिशिएंसी दिखाई देती है सावधान इंडिया देखते ही हो आजकल तो दादाजी को कम्युनिकेट कर देना तो पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर ले क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख लियो डॉक्यूमेंटेशन कर लियो उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर लियो लेकिन सोच के रहना फ्रॉड हो सकता है तेरे साथ तुझे लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा और दिक्कत आती है तो दोस्तों गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर लेना अब याद रखना तुझे साथ में मिलकर जिंदगी जीनी है तुझे ज्वाइंटली जिंदगी जीनी है पहले वाली जिंदगी खत्म हो गई तो समझ ले राम समझ ले सोच ले मौत के कुआ में कुदना है कि नहीं बोलो साथ में तो सबसे पहले क्या बोला बेटा राम तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले मौत के कुएं में कुदना है कि नहीं तू अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर मौत के कुएं में कुदना है कि नहीं फिर तू एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले फिर तू ये सोच लेना कि क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा उसकी सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करके रखनी होगी लिख के और तेरे साथ फ्रॉड भी हो सकता है लॉ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा दो साथ विद गवर्नेस को कम्युनिकेट करना है कुछ भी दिक्कत हो तो और ज्वाइंटली तुम लोग अपनी जिंदगी निभानी है ये चीज आपके माइंड में फ्लो बनना चाहिए कम से कम ग्यारह बार रिपीट करोगे दस दोस्तों को जाके ये स्टोरी बताओगे तुझे पता पता है मेरे एक दोस्त की कहानी है मैंने उसको तो समझाया था बेटा पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच ले एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले डॉक्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख ले डॉक्यूमेंट कर ले फ्रॉड ना करियो लॉज रेगुलेशन फॉलो कर ले और कुछ भी दिक्कत हो तो साथ गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देना तेरे को जॉइंटली जिंदगी निभानी है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडवाइस दैट द श्याम गिव टू राम एस ए टू सीरीज ऐसे 200 सीरीज ठीक है ना ऐसे 200 हंड्रेड ओवरऑ ऑब्जेक्टिव द इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसकी इंडिपेंडेंस खत्म होने वाली है इसलिए बोला था राम को बेटा तो आज इंडिपेंडेंट है शादी के बाद बर्बाद हो जाएगा तेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी सोच ले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन एकॉर्डेंस विदिट ऑफ फाइनेशियल स्टेटमेंट ऐसे टू हंड्रेड एन 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 एग्री दर्म ऑफ ऑडिंगेजमेंट ऐसे टू क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे टू थर्टी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे टू ऑडिटर्स ऑडिटर्सबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे टू फिफ्टी कंसडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे टू सिक्स

किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम यूज करूंगा डिटेक्टिव एजेंसी की सर्विस यूज करूंगा राइट right? तो ऐसे फोर जीरो अगला स्टैंडर्ड है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप काम करो सारे के सारे मिस स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करो जो भी अगर कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं जो भी गलतियां हैं आप उसे क्या करो इवेलुएट करो उसने सर्विस एंटिटी को बोला कि आप और आप एविडेंस लेना बिना एविडेंस लिए मेरे पास नहीं आना आप बिना एविडेंस लिए उसके बारे में कुछ भी बोलोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा आप एविडेंस लेना आप जाकर फिजिकली वेरीफाई करना वो कहां जा रही है किससे मिल रही है तो अब क्या हुआ अब वो जो सर्विस एंटिटी है वो काम में लग गई उसने मिस स्टेटमेंट्स को इवेलुएट किया उसने एविडेंस लिया उस वो फिजिकली वेरीफाई करता था सर्विस एंटिटी कि जाकर यू you नो know, कि वो गर्लफ्रेंड उसकी कहां जा रही है अगर उसकी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठी है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी लिया करते थे किसके साथ बैठी है और आपको पता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सर्विस एंटिटी को हायर किया गया नॉट फॉर ए डिटेक्टिव केस नॉट फॉर ए क्रिमिनल धोखा तो नहीं कर रही वो जो सर्विस एंटिटी है जिसको किया गया था, वो उसका था, पहला पहला असाइनमेंट था।, था, था, पहला -पहला था तो सबसे पहले क्या हुआ ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखा एसे टू ऑब्जेक्टिव एसे टू हंड्रेड टेन इज एग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंगेजमेंट राइट टू ट्वेंटी क्या था क्वालिटी कंट्रोल फिर डॉक्यूमेंटेशन किया सारी रिक्वायरमेंट को क्या करा सर डॉक्यूमेंटेशन किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक काम करते हैं यार यहीं सर रेफर कर लेते हैं टाइम बचेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखा ऐसे 200 हंड्रेड ओवरऑ ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्ड्स विद ऑफ ऑडिटिंग फिर उसके बाद क्या हुआ टर्स एंटर कर लिया उसने सोचा एंगेजमेंट लेटर एंटर करूं कि नहीं करूं करूँ टू हंड्रेड एंगेजमेंट सारी बातें माननी होगी बेटा जिंदगी भर फिर फिर बोला कि बेटा क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा पहले जैसे काम नहीं चलेगा टू ट्वेंटी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कर लिया ऐसे टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड भी हो सकता है तेरे साथ तुझे भी फ्रॉड नहीं करना है ऐसे ऑडिटर्स रिस्पॉसिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉज रेगुलेन फॉलो कर लेना बेटा ऐसे 250 कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस चार्टर्स गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर लेना दिक्कत हो तो ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्टर्स गवर्नेंस 265 जॉइंटली अब तेरे को जीवन निभाना है 299 फिर क्या किया राम ने प्लान करना स्टार्ट किया एस थ्री हंड्रेड प्लानिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्री वन फाइव आइडेंटीफाइंग एंड एसेंग रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट थ्रंडर स्टेडिंगल कंट्रोल उसके बाद थ्री थर्टी ऑडिट रिस्पॉस टू एस डिस्क थ्री ट्वेंटी द ऑडिट सर्विस एंडिटी के काम को यूज किया फोर जीरो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एंडिटी ने मिस स्टेटमेंट इवाल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया चार सौ पचास इवाल्यूएस स्टेटमेंट्स ऑडिट फिर एविडेंस लेने के लिए बोला तो सर्विस एंडिटी एविडेंस लेने में जुट गई ऐसे फाइव हंड्रेड ऑडिट एवडेंस एवडेंस लेने लिए फिजिकल वेरिफिकेशन किया स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स जिसमें तीन चीजें हैं फिजिकल वेरिफिकेशन है लिटिगेशन है क्लेम है, है फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना स्टार्ट किया 505 और वो उनका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट था पहला ऑडिट एंगेजमेंट था 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस 520 से फिर वो कंपैरिजन वाली चीज स्टार्ट होती है एनालिटिकल प्रोसीजर सैप्पलिंग फिर दोस्त ने बोले बेटा तो एस्टिमेट बना ले कि तेरे रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंटली के जा सकती है तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है डब्लू ले लिया तो फाइव ट्वेंटी एनलिटिकल प्रोसीजर फाइव थर्टी ऑडिट सीम्लिंग फाइव फोर्टी ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इक्लूडिंग फेर वैल्यूकाउंटिंग एस्टमेट रिलेटेडर फाइव फिफ्टी रिलेटेड पार्टी फाइवेंट फाइव सेवेंटी गोइंग कंसर्न फाइव एटी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिक्स हंडिंग द ऑडिटर की अदर तो ऑडिटर का, का काम यूज करा सिक्स टेन इंटरनल एक्सपर्ट सोचा था सेवन हंड्रेड के अंदर अन ओपिनियन बनाएगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग लेकिन

वी हैव टेक्निक्स, डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करने का कोशिश करा स्टोरी टेक्निक से याद करने का कोशिश करा वी द टेक्निक डिवाइड एंड रूल अब देखना टोटल अभी तक कितना टाइम हो गया यार 45 मिनट्स का हमारा क्लास हो गया जिसके अंदर एफेक्टिव स्टडी फोर्टी मिनट्स का होगा लेकिन अब आपको होमवर्क क्या है डेली बेसिस में आपको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड वैल्यू क्रिएट करना है अब रिकॉर्ड वैल्यू क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा हाउ मच टाइम इट विल टेक फटाफट देखते हैं कितना टाइम लगेगा रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में पहले डिवाइड एंड रूल टेक्निक यूज़ अब क्या होगा डिवाइड एंड रूल ना अब आपको रिकॉल वैल्यू में यूज नहीं करना डिवाइड एंड रूल टेक्निक इनिशियली यहाँ के लिए था कि आपके लिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ आपको आप सीधा स्टोरी में जाना है ओर ऑलजेक्टिव को समझा फिर एगेजमेंट लेटर फिर क्वालिटी कंट्रोल था डॉक्यूमेंटेशन था फिर फॉड था लॉस रेगुलेशन फॉलो करना था और दो साल गवर्नस को कम्युनिकेट करना थॉइट विथ साथ निभा था मतलब टू हंड्रेड का सीरीज हो गया तो ऐसे टू हड्डेड वज ऑवर ऑब्जेक्टिविटिविटीव द इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट ऑडिट एंड द कंडक्ट ऑफ एडिट एन एंडॉर्डेंस विदाइनशियल स्टेटमेंट टू हंड्रेड टेन वज एग्रिंग टू दर्मस ऑफ ऑडिट एगेजमेंट टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल फॉर एनऑडिट फैनलियल स्टेटमेंट टर्ट डॉक्यूमेंटेशन टोटिस रिपोर्सिलिटीज इन देशन टू फॉर ऑडिट ऑफ फैनल स्टेटमेंट टू फिफ्टीज कसडर

तो भैया जिसको डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करना है डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करो और जिसको लव स्टोरी यूज करनी है तो आप ये पूरा लव स्टोरी टेक्निक से यूज करो इट्स एवरीथिंग to totally, तो होपफुली यू हैव गेट गॉड बेनिफिटेड बाय दिस आपको होमवर्क ये है अब आप देखोगे कि टाइम कितना लगा मुश्किल से दो मिनट लगता है यार अगर आप एक बार हैबिचुएटेड हो जाओ ना तो मुश्किल से आपको दिन में दो तीन मिनट देना है वो स्टोरी को एक बार दिमाग में रखना है एक बार रिपीट वैल्यू क्रिएट करनी है पहला दिन पाँच मिनट लगेगा दूसरा दिन चार मिनट लगेगा तीसरे दिन से दो मिनट लगेगा और अगर पाँच मिनट आपको स्टैंडर्ड्स में लग रहा है पाँच मिनट आपको कंपनी ऑडिट में लग रहा है टोटल मिला के मान लीजिए पंद्रह मिनट लग रहा है अगर आपको पंद्रह मिनट भी लग रहा है और अगर आप एक हफ्ते तक ये जो स्टैंडर्ड्स और कंपनी ऑडिट की मैंने टेक्निक्स दी है अगर आप पंद्रह एक हफ्ते तक लगातार इसको रिपीट करोगे तो एक हफ्ते के बाद आपके खून में बस चुका होगा आप कभी भूल नहीं पाओगे फिर हफ्ते में एक दिन कर लेना काम चल जाएगा तो क्या पंद्रह मिनट हम दिन का नहीं दे सकते टू इंश्योर कि अपने को सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद हो जाए और कंपनी ऑडिट के सेक्शन विद सब सेक्शन याद हो जाए क्या पंद्रह मिनट दिन का नहीं दे सकते दे सकते हैं और आज से देंगे हर कोई देगा कमिटमेंट है आपको मैं फालतू का मेहनत नहीं कर रहा हूँ अगर आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरी ये मेहनत बेकार है तो उम्मीद करता हूं कि आप भी सपोर्ट करेंगे आप भी चीज़ें याद करेंगे आप भी एग्जाम में ऐसा लिख के आएंगे और चीज़ों या चीज़ें याद रखेंगे डेली बेसिस में कमिटमेंट देंगे अपना प्यार देंगे अपना सपोर्ट देंगे वीडियो को लाइक करेंगे बहुत सारा वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ऑडिट में सेवेंटी प्लस लेके आएंगे ऑल दी बेस्ट